अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दस्तर रहमान और मेरे पास है यहाँ पर ट्रिमर विंटेज T9। तो इसका सेल रिप्लेस करना है। इसका बैटरी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बैकअप ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसमें जो सेल लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कम कैपेसिटी वाला सेल है, लोकल सा। लेकिन इसमें मैं यहाँ पर 18650 ये वाला सेल लगाऊँगा, 3.7 वोल्ट, 4800 mAh। तो यूज्ड में बाय किया है मैंने, 200 रुपीज़ तक का आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल जाएगा। इसका बैकअप काफ़ी अच्छा होता है, ऑलरेडी मैंने एक मशीन में इसे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा बैकअप देता है। तो इससे मैं अभी रिप्लेस करूँगा। ये मशीन जो है दरासफर आपको तकरीबन 1100-1100 रुपये तक की मिल जाती है। मशीन तो अच्छी है, लेकिन इसमें जो सेल डला होता है वो काफ़ी लोकल सा होता है, तकरीबन 10-15 मिनट का बैकअप देता है। लेकिन अगर आप इस तरह का सेल इसमें डाल लेते हो तो आपको कई आवर्स का बैकअप मिल जाता है, मतलब एक बार चार्ज करके आप पूरा महीना गुजार सकते हो शेविंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता है फिर। तो अभी मैं इससे ओपन करूँगा, ओपन करके सेल इसमें डालूँगा और फिर हम इसे यूज़ करके देखेंगे। और इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सेल डालने के बाद। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर दो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, पहले इसे खोलना है और ये मोटर्स के साथ ही ये सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा। यहाँ पर सेल होता है इसके, लो जी ये आ गई हमारी मशीन का ब्लेड। इसे मैं ऐसे ही साइड पे रख देता हूँ और यहाँ पर इसे अभी यहाँ पर इस तरह मैं घुमा के यहाँ पर इसे निकाल लूँगा। लो जी ये इसकी मोटर बाहर आ चुकी है और इसमें इस तरह ये लगा होता है, स्क्रूज जो होते हैं, ठीक हो गया। इसे भी साइड पे रख देते हैं और अभी यहाँ पर ये देख सकते हो सेल लगा हुआ। इसमें 18650 का सेल लगा सकते हो, 18550 तक का सेल भी लगा सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बैकअप देगा। अभी मैं आपको सेल निकाल के दिखाता हूँ दोनों में कितना फ़र्क है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इससे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो सेल का डिफरेंस कितना है, तो बैकअप खुद ही ये कम देगा। तो काफ़ी बारीक सा छोटा सा सेल है और ये जो है वो हैवी सेल है, बड़ा बैकअप भी अच्छा देगा। तो यहाँ पर इसका पावर बटन जो है ऊपर करके यहाँ पर मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका बोर्ड जो है वो निकाल लिया है। सेल इसमें बड़ा ही डलता है, लेकिन इन लोगों ने जो है वो उस साइज़ को पूरा करने के लिए ये फोम लगाया हुआ है, छोटा सेल डाल के ये तकरीबन 10-15 मिनट चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी हम इसे लगा देते हैं और यहाँ पर ये रहा इसका बोर्ड मेन जो है जिस पर सारा कनेक्शन किया हुआ है। तो इसे निकालते हुए एक जो है वो रेड वायर मुझसे ये कट गई है बोर्ड से, यहाँ पर पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ पर काविये की मदद से मैं लगा दूँगा और फिर इसका सेल का कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कनेक्शन इसका हो चुका है, अभी जो है हमें इसके कनेक्शन करने हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये सेल की ये वाली जो साइड होती है ये पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड नेगेटिव होती है। इसके अलावा आप मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर DC वोल्ट पे रख लिया है, रेड मुझे पता है ये वाली है, मैं इस साइड पे रखूँगा और इसे इस साइड पे रखूँगा। तो वो ये देख सकते हो आप, रीडिंग हमारी जो है वो मीटर पर नेगेटिव में नहीं आ रही, यानी कि प्रोब सही लगी हुई हैं और पॉजिटिव वाली साइड ये है। अगर मैं इसे उल्टा के लगाता हूँ तो रीडिंग माइनस में आएगी, यानी कि ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, मीटर के थ्रू भी पता कर सकते हो हम। तो चलिए अभी सेल का कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर उल्टी लगी हुई है पहले से ही, यहाँ पर ये देख सकते हो हम, B पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पे ब्लैक वायर लगाई हुई है
और नेगेटिव पे जो है वो रेड वायर लगाई हुई है, तो ये अच्छी तरह आपने चेक करके लगाना है, उल्टा नहीं लगा देना। तो अभी मैं जो है इसे उल्टा करके लगा दूंगा। सोल्डरिंग आयरन है, उसी की मदद से करूंगा। उसके साथ करना नहीं चाहिए क्योंकि सेल के एक्सप्लोड होने का खतरा होता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी जल्दी उसे जो है वो कर देता हूँ। ये नेगेटिव साइड है, इस पर मैं ये वाला लगा दूंगा। तो ये कनेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर ये पकड़ नहीं रहा, तो इसको ये सोल्डरिंग पकड़े इसके लिए फ्लक्स यूज़ करते हैं। मेरे पास फ्लक्स है नहीं, तो ये नाइफ़ की मदद से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये सोल्डरिंग इसने थोड़ी सी पकड़ ली है। अभी क्या करेंगे कि इसकी दूसरी साइड का भी कनेक्शन कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह लगानी थी वो लगा ली है, अभी हम इसे चला के देख लेते हैं। और ये ब्लू लाइट चल रही है, काम भी सही तरह कर रहा है। तो अभी जस्ट हमने इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ लाजमी से रखनी है ताकि इसके कंपोनेंट्स के साथ ये लग के जो है वो शॉर्ट ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपने देख लेना है कि कितना लगेगा ये। तो इसे मैं लगा देता हूँ छुरी की मदद से काट के। लो जी, ये जितना मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया है, यानी कि इस बोर्ड और सेल के दरमियान में ये फोम का जो है ये होना लाजमी है ताकि कोई चीज़ शॉर्टेज वगैरह ना हो। और फिर अभी आपने जो है इसे इसमें लगाना है, ये देखें ये इस तरह इसमें लगेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन इसका मैंने कर दिया है, बड़ी मुश्किल से फिक्स होता है, काफ़ी ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोबारा से इसे फिट करेंगे। उसके लिए इसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लगा हुआ था, इसे इस तरह करके इसे यहाँ पर टाइट करना है। तो ये भी टाइट हो चुका है अच्छी तरह से। इसे अंदर को प्रेस करके जो है इसे घुमाना है, और यहाँ पर ये स्क्रूज टाइट करने के लिए जो होल दिए हुए हैं इसको अच्छे से अलाइन करना है। तो ये भी काम हो चुका है, अभी मैं इसे चला के एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये चार्ज करने वाली है, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये ब्लू लाइट भी जलती है इसकी। और अभी जो है इसे मैं टाइट कर देता हूँ, स्क्रूज इसके इस तरह लगा लेनी है, और उसके बाद जो है इसे यहाँ पर अच्छी तरह से अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद इसे टाइट कर देते हैं अभी स्क्रूज को। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चल तो रही है लेकिन बंद हो जाती है, यानी कि ये चार्ज होने वाली है। हमने मीटर पर भी चेक किया था, 2 वोल्ट तक इसमें आ रहे थे। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरे वाली मशीन है, इसमें मैंने ये सेल डाला था और बहुत अच्छी चलती है। तो आप देख सकते हो थोड़ी वजनी हो जाती है और चलती बहुत अच्छी है, तेज स्पीड के साथ इसे करंट काफ़ी मिलता है। तो अभी इसे मैं चार्ज पे लगाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और जैसे ही मैंने लगाया तो ये देख सकते हो आप रेड लाइट चल चुकी है, यानी कि चार्जिंग इससे स्टार्ट हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर इसे चार्ज पे लगाते हैं, फिर मैं आप दोस्तों को इसे चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी जो है फुल चार्ज हो चुकी है शेविंग मशीन की, और अभी मैं इसे उतार देता हूँ और इसे चला के देख लेते हैं।
तो काफ़ी अच्छी चल रही है और बैकअप भी काफ़ी लंबा देगी। तो इस तरीके से आप इसका सेल जो है चेंज कर सकते हो।